हे गाइस, सो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक ट्रैकिंग पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और न्यू अमेजिंग वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले आज हम लोग। सो चलिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारा डिजिटल वाइट क्लॉक है। ओके, सो आज हम लोग इसी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये मैंने प्रोडक्ट आप लोगों ने मंगाया था, मैंने सोचा कि इसका अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ओके, सो लेट्स गो। अब हम लोग इस प्रोडक्ट को कट कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा सीजर, मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। सो कुछ ये है हमारा प्रोडक्ट। सो अब हम लोग इस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ आया है ये प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट को कुछ हार्म ना हो। देख सकते हैं आप कितना सारा मुझे बॉक्स ओपन करने पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पर कुछ इस तरह का है हमारा ये जो अलार्म क्लॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसका पीछे देखिए आप, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। ओके, यहाँ पे आप इसका बैटरीज लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ इसमें बैटरी पहले से नहीं दिया हुआ है, सो हम लोग को यहाँ पे बैटरी पहले लगाना पड़ेगा। सो मुझे आप बैटरी पहले देखना पड़ेगा। ये आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं यहाँ पे साथ ही साथ। अब देखिए, सो अब हम लोग को इस पे बैटरीज लगाना होगा। सो यहाँ पे मैं बैटरीज मेरे पास है कुछ, तो मैं यहाँ देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 बैटरीज है। इस पर 3 बैटरीज ही लगेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 बैटरीज ही लगेंगे। ओके, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। ये जो बैटरी है ये पेंसिल बैटरी है, आप देख सकते हैं। ये मतलब वो एक और जो बैटरी आता है वो नहीं है, ये रिमोट पे ही ज़्यादातर लगता है। ये मार्केट में आपको रेयरली बैटरी मिल जाएगा। ओके, इसका दाम है मिनिमम 16 रुपीज़ होगा। ओके, सो मैं इसको लगा देता हूँ अभी। तो देखिए लगाते का साथ यहाँ पे एक आवाज़ होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये क्या चीज़ है, मैं अभी ये चेक करता हूँ। ओके, सो मैंने इसको लगा दिया है। सो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ओके, सो यहाँ लगाते का साथ एक साउंड प्रोड्यूस हो जाता है कि आपका मतलब अलार्म क्लॉक ऑन हो चुका है। तो देखिए अगर आप लोग इसके ऊपर टैप करते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे जो है ग्लो होने लगता है इसका लाइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इसको ऊपर से टैप किया था, तो ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे लाइट्स अपने आप ग्लो होने लगते हैं। ये रैंडमली लाइट्स अपना चेंज करने लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आप लोग को इसका सेटिंग सारा समझा देता हूँ कि कैसे आप लोग इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं या अलार्म लगा सकते हैं, आप कुछ भी। ओके, सो डे टू डे, ओके, सो एक्सेट्रा। सो अब मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ बैक पे आपको यहाँ पे कुछ बटन्स यहाँ पे आप लोग को शो होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 बटन्स है। ओके, सो इसमें से आप लोग देखिए ये जो अगर टैप करते हैं सो आपका यहाँ पे जो ये कलर होने लगता है, ये जो कलर है कलर आने लगता है। ओके, सो हम लोग को ये दोनों जो बटन है वो कलर के लिए ही है। ओके, सो हम लोग को ये अभी ये नहीं देखना है। सो आप कैसे टाइम सेट करते हैं, सो देखिए ये जो बटन है आपका, इससे हमारा अप डाउन होगा, इससे अप होगा, इससे डाउन होगा, इससे
कुछ भी सेट कर सकते हैं, और ये अलार्म के लिए है। ओके, ये अलार्म के लिए है। सो अब मैं देखिए आपको बता देता हूँ, जैसे अभी मेरा यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है 12:40 हो रहा है। सो देखिए मैं इसको सबसे पहले हम लोग को यहाँ सेट पे क्लिक करना होगा। ओके, सो मैं यहाँ सेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब ये जो हमारा ये जो आवर वाला है वो हम लोग का ब्लिंक हो रहा है। सो अब मैं यहाँ पे इसको अप करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अप में क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है। अब यहाँ पे मैं मिनट पे जाना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे सेट पे फिर से क्लिक करने पड़ेगा मिनट पे जाने के लिए। सो मैं सेट पे क्लिक किया, देखिए अब ये मैंने मिनट पे हम लोग आ चुके हैं। अब मैं इसको फिर से अप करता हूँ, देखिए। सो मैं इसको यहाँ पे चला जाता हूँ 40 पे। ओके, सो देखिए मैं यहाँ 40 पे जा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ 41 पे आ गया। अगर मैं इसको अगर आप जैसे 41 पे आ गए तो आपको नीचे जाना है, तो आप लोग को यहाँ देखिए डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आप वापस से 40 पे आ जाइएगा। ओके, अब आप लोग को यहाँ पे फिर से सेट करना है, आप फिर से सेट पे क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग को अब यहाँ पे आपका जो ईयर है वो पूछा जाएगा। सो अब हमारा जो ईयर है अभी 2021 है। सो यहाँ पे हम लोग को आप पे क्लिक करना है। सो देखिए अब मैं यहाँ पे आप पे क्लिक करता हूँ। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 2021 में। सो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को मंथ सेट करना है और डेट सेट करना है, तो हम लोग को फिर से यहाँ सेट पे क्लिक करने होगा। सो देखिए अब मैं यहाँ सेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए आप मंथ वाला जो ब्लिंक हो रहा है नंबर। सो अब हम लोग को यहाँ पे अप करना होगा। मैं यहाँ पे मंथ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे 6 पे आ गया। ये जो डे है ये अपने आप सेट हो जाएगा। ओके, इसको आप हम लोग को सेट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो मंथ है वो 6 हो चुका है। अब हम लोग को डेट सेट करना है, तो हम लोग को फिर से सेट पे क्लिक करने होगा। तो देखिए अब ये जो डेट वाला ये ब्लिंक हो रहा है। सो अब मैं यहाँ पे फिर से अप करता हूँ और मैं यहाँ चला जाता हूँ आज का डेट पे जो हमारा है 12, ठीक है, नहीं तो 13 है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग 13 पे आ चुके हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप लोग को यहाँ पे फिर से सेट पे क्लिक कर देना है। देखिए अब हमारा जो टाइम है वो फुल्ली सेट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देखें जो यहाँ सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो आप लोग जैसे सेल्सियस पे आ रहा है, अगर आप लोग उसको फ़ारेनहाइट पे चाहते हैं, सो आप लोग यहाँ पे एक बार डाउन पे क्लिक कर देने होगा। देखिए ये जो है फ़ारेनहाइट पे आप लोग को दिखा दे रहा है 88.8 है अभी। अगर आप लोग इसको सेल्सियस में देखना चाहते हैं फिर से आप लोग डाउन पे क्लिक कर दीजिए, सो आप लोग आ जाएगा 31.6 सेल्सियस। ओके, सो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग इस पे कैसे अलार्म सेट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए आप लोग को यहाँ पे अलार्म का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप लोग को इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। सो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्लिक कर रहा हूँ। अलार्म पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ बोला जाएगा आप लोग अपना टाइमिंग सेट कीजिए। ओके, ये अलार्म का टाइमिंग है। सो आप लोग को फिर से आप लोग को यहाँ पे सेट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सेट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो टाइमिंग सेट करने बोला कि आप लोग कब अलार्म चाहते हैं, सो यहाँ पे आप लोग को सेट कर देना टाइमिंग। जैसे अभी हम लोग को हो रहा है 1, देखिए 1 मैं 1 कर दे रहा हूँ। अब देखिए अब इसको फिर से आपको सेट करना है मिनट पे जाने के लिए। अब यहाँ मिनट पे मैं इसको फिर से आप कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको आप कर देता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पे 55 पे कर देता हूँ, 1:55 पे मेरा अलार्म बजेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको फिर से सेट पे क्लिक करता हूँ। सेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आपको मतलब अलार्म कितना कितना देर के बाद फिर से अलार्म आपका रिपीट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 60 मिनट के बाद फिर से मेरा अलार्म रिपीट होना चाहिए। ओके, सो देखिए यहाँ तक यहाँ पर ये मतलब 1 घंटा के बाद, ठीक है, 1 मिनट तक का रिपीट होना चाहिए। ओके, आप भी देखिए यहाँ पे आपका जो 1 है ये ब्लिंक हो रहा है, इसलिए आपका जो मतलब कौन सा ट्यून बजेगा। ओके, सो ट्यून बजेगा, सो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे करीबन आई थिंक सो डैट 8 to 9 बजेगा। ओके, 8 to 9 इसमें ट्यून है। सो अब मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ कि मैं आप लोग को सुना भी देता हूँ कि ये कैसा कैसा ट्यून है। ओके, सो सबसे पहले आप लोग को यहाँ सेट पे क्लिक करना है। नहीं नहीं ये तो रॉन्ग हो गया। ओके, मैं यहाँ पे फिर से अलार्म पे जाता हूँ। देखिए हाँ, देखिए अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे अप के ऊपर क्लिक करना है। देखिए इसका साउंड, देखिए यहाँ पे साउंड, देखिए अब ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है। देखिए अब यहाँ इसका चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर, इसका फिफ्थ नंबर है, ओके
अब इसका 6 नंबर है, ये इसका 7 नंबर है, अब यहाँ 8 नंबर है, आप देख सकते हैं। ओके बस ये 8 नंबर तक ये लास्ट है। ओके सो मैं इसको यहाँ पे सेट पे क्लिक कर देता हूँ, आप लोग जो ट्यून सेट करना है उसका सेट पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो अलार्म है वो सेट हो चुका। अगर आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या अलार्म अभी कितना बजे मतलब बजेगा, तो आप लोग यहाँ फिर से अलार्म के ऊपर क्लिक कर देना है। सो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग का जो टाइमिंग हो रहा है 154 हो रहा है, और अलार्म बजेगा हमारा 155 पे। ओके सो देखिए 154 हो रहा है, 155 पे बजेगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिजिटल अलार्म क्लॉक का अनबॉक्सिंग। ओके सो अगर आप लोग हम मुझसे इसका रिव्यू पूछते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये बहुत ही लाइट वेट है, इसका वेट बहुत ही हल्का है। ओके और इसका जो डिस्प्ले है वो भी मतलब ठीक है, उतना ज़्यादा छोटा नहीं है। ओके और ये बहुत ही मतलब मिनी है, इसका मतलब साउंड भी अच्छा है। ओके और इसका जो मतलब प्राइस है वो भी अच्छा है, इसका जो प्राइस है वो 300 है करीबन। ओके सो अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते होंगे तो मैं आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग फ्लिपकार्ट पे जा कर के इसको बाय कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स सो आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग इसको यहाँ से टैप करते हैं सो आप लोग को यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो जाता है, देखिए कुछ इस तरह का हमारा जो लाइट है। ओके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, सो मैं आप लोग के लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। सो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो पर।